मंडला जिले के निवास विकास खंड के अंतर्गत ग्वारा गांव में लगभग 200 परिवार रहते हैं, जिसमें से 20 लोगों के द्वारा मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने पर 23 दिसंबर 2012 को बेरोजगारी भत्ता का आवेदन किया था और फिर यह वीडियो मैं बनाई। सचिव सरपंच आए थे और हम लोगों को यानी वो बेरोजगारी भत्ता यानी अपने तरफ से देने के लिए हम लोगों को चुटिया बनाकर वे दस्तखत करा लिए हैं और यानी 20 मई को यानी दे देंगे कह के नहीं दिए हैं, तो हम लोग 20 मई कट जाने के बाद 23 यानी मई को सभी लोग इकट्ठे बैठ के और उसका विचार विमर्श करके सरपंच सचिव को यानी बुलवाए, तो सचिव सरपंच यानी 24 घंटा का 24 घंटा का वो समय मांगे हैं कि हम तुमको 24 घंटा मिला के दे देंगे कह के, और वो चले गए। आवेदन लगाए हैं वो बेरोजगारी के भत्ता हमको यानी चाहिए 20 आदमियों को, जिसमें 8 जून 2013 को सरपंच सचिव के द्वारा 200 परिवारों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। भद्दू भैया, यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता की जो समस्या के ऊपर आपका जो वीडियो बना था, तो फिर उस समस्या का हल हुआ कि नहीं? अभी उस समस्या का हल हो गया है मैडम, जो सरपंच सचिव हम लोगों को कह दिए थे 20,000, तो तत्काल में तो नहीं दिए हैं, पर वर्तमान में न देकर यानी बाद में दिए हैं, तो 20 लोगों को हम यानी 1,000 रुपया यानी दे दिए हैं। और वो बोल रहे थे कि भाई अब ऐसा गलती ना करेंगे, गलती हम लोगों को हुआ है यानी अब आवेदन आने पे हम लोग यानी बिल्कुल आपको यानी काम यानी दे देंगे, ऐसे यानी बोले। यह बदलाव गांव के लोगों के द्वारा सरपंच सचिव को बार बार फोन किया गया, तब कहीं यह बदलाव आया। मेरा आत्मविश्वास समुदाय के लोगों से बढ़ा है। मेरा मानना है कि जहां के लोग संगठित होकर आगे आते हैं, वहां बदलाव जल्दी आने की संभावना होती है। मैं सरोज परस्ते, ग्वारा ग्राम विकास खंड निवास, जिला मंडला, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए।